जिला शिमला में बीते दो दिनों से तेज धूप खिली है। धूप खिलने से जहां लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो वहीं पहाड़ों की रानी की ओर पर्यटकों ने भी भारी संख्या में रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला जिले में आगामी दो दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 25 सितंबर को जिले के लिए गर्जन और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में संभावना है कि हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि बीते 24 घंटों में शिमला शहर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का आलम शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिमला के लिए 25 सितंबर को बिजली और गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर के लिए भी बिजली और गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान अन्य 5 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे कम 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान जिला लाहौल स्पीति के ताबो में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस तापमान जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं शिमला शहर में 26 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 27.6 डिग्री, सैंज में 30.8 डिग्री, कुफरी में 22.3 डिग्री और नारकंडा में 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे में जिला शिमला सहित प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है।